हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के दिन शुभ दिन, हरतालिका तीज के दिन, शिव शक्ति का दिन है और आज के दिन हम करेंगे ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग। देखते हैं एनर्जीज क्या चल रही हैं, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी क्या है अभी इस वक्त, और किस एनर्जी में हैं आप दोनों, असेंशन प्रोसेस में कहाँ तक पहुँचे हैं, ये सब हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो ये रीडिंग स्पेशली डेडिकेटेड है अगर आप चोजन वन हैं, ट्विन फ्लेम हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो जर्नी है वो डिवाइनली गाइडेड है, सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है दोनों तरफ, बिकॉज ये जर्नी वन साइडेड नहीं है, ये दोनों तरफ की एनर्जी यहाँ पर होती है। तो देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है और आपके डीएम की एनर्जी क्या है। डीएम का मतलब हो गया डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम टैरो से लेंगे कुछ कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी अभी इस वक्त क्या है, किस एनर्जी में है डिवाइन फेमिनिन्स। वी हैव गॉट 11 11 कार्ड। सबसे पहले ही डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी, ओके ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जजमेंट, ओके। काफ़ी लेट हो गया गाइस, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी रीडिंग कर रही हूँ ताकि आप तक रीडिंग पहुँच जाए टाइम से। डिवाइन मास्कुलिन्स की एनर्जी, डीएम की एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। एस ऑफ वांड्स बॉटम ऑफ द डेक, वी हैव जस्टिस एंड एस ऑफ सोर्ड्स। होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे, नज़र आ रहे हैं ना, हाँ। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड द डेविल, ओके। तो फैमिनिन की एनर्जी क्या है, फैमिनिन अभी किस एनर्जी में, फैमिली बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, फैमिनिन एनर्जी सफरिंग में है। वी हैव 9 9 9 9 पोर्टल का इफेक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है, और ये जो इफेक्ट है ये ना आपके कार्मिक से ट्रिगर बहुत ज़्यादा आपको मिल सकता है। आपके घर का माहौल बहुत अग्रेसिव हो सकता है, सडनली ऐसा हो सकता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हों या लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव कर रहे हों। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जिसमें आपको ऐसा लगे कि यार मेरी लाइफ में तो सफरिंग ये है, मेरी तो सफरिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, मुझे तो लगता है पूरी ज़िंदगी अकेले ही रहना है, इस तरह की वाइब्रेशन है। तो ये कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी है जो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हैं। आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि निर्णय क्या होगा, क्या आपके फेवर में होगा या आपके फेवर में नहीं होगा। सेकंड जो सिचुएशन है, यहाँ कुछ डिवाइन फेमिनिन्स बहुत बैलेंस्ड हैं, काफ़ी अवेकंड हैं और असेंशन प्रोसेस में काफ़ी ऊपर हैं। इनकी लाइफ में या तो इन्हें कमिटमेंट मिल चुकी है या ये परमानेंट हारमोनियस यूनियन में है, पर अभी तक शादी नहीं हुई है। परमानेंट हारमोनियस यूनियन का मतलब होता है कि आप दोनों को ये चीज़ों का एहसास हो चुका है, आप दोनों उनकी तरफ से आपको और आपकी तरफ से उनको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं कि डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, और आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है। तो काफ़ी डिवाइन फेमिनिन्स इस एनर्जी में है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आपका रिलेशन काफ़ी बैलेंस्ड है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई रनर चेजर वाली एनर्जी नहीं है, बट अभी तक शादी नहीं हुई है। तो ये एनर्जी है, तो आपको शादी को लेकर और कमिटमेंट को लेकर वेटिंग एनर्जी में हैं आप। थोड़ा सा आपको ये है अंदर अंदर कि एग्जैक्टली वेटिंग नहीं कह सकते, बिकॉज जब आप असेंड हो जाते हैं तो ये 3D की जो शादी होती है ये सब में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बट स्टिल आपको ऐसा लगता है कि अगर आप आपके लाइफ से कर्मा हील हो चुके हैं, रिलीज़ हो चुके हैं और आपके डीएम भी पूरी तरह से रेडी हैं, तो यहाँ पर जल्द से जल्द आप दोनों यूनियन में आ जाएं। तो ये डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी है। अब इनमें से आपकी एनर्जी कौन सी है आप उसको ले लेना, बाकी को जाने देना। डीएम की बात करें तो डीएम में से भी यहाँ पर दो एनर्जी है। कुछ डीएम ऐसे हैं जो इमेच्योर एनर्जी में हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन अभी भी चल रही है, रनर चेजर अभी भी चल रहा है, मल्टीपल अफेयर में होना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, मल्टीपल रिलेशन, मल्टीपल पार्टनर्स चेंज करना, कार्मिक्स में अभी भी अटके हुए हैं या अटकी हुई हैं, तो इस तरह की एनर्जी है काफ़ी डीएम की। कुछ डीएम ऐसे भी हैं जो न्यू बिगनिंग के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इनका जो मैस्कुलिन साइड है वो काफ़ी
बैलेंस्ड है और अब फैमिनिन साइड भी काफ़ी बैलेंस्ड है। तो देखिए ये जो जर्नी है ये बैलेंस की जर्नी है। शिव शक्ति बैलेंस, शिव का मतलब हो गया मैस्कुलिन एनर्जी, शक्ति का मतलब हो गया फैमिनिन एनर्जी। तो जब आपके खुद के अंदर मैस्कुलिन और फैमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाए तो आपके डीएम के अंदर भी वो चीज़ें बैलेंस होने लगती हैं। तो जब आप बैलेंस रहोगे तो आपके डीएम ऑटोमेटिकली बैलेंस होंगे और ये चीज़ें आपको फील भी होंगी, क्योंकि उनकी तरफ से जैसे जैसे डीएम अवेकन होने लगते हैं तो उनकी तरफ से इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा रिसीव होंगे। एक इमोशनल बॉन्ड होगा, रिस्पेक्टफुल बॉन्ड होगा, केयरिंग कनेक्शन होगा। आपको लगेगा कि जैसे उनकी तरफ से ऐसे प्यार दिया जा रहा है जैसे कोई मदर एक बच्चे को प्यार करती है। तो मदरली केयर आपको उनकी तरफ से रिसीव होने लगती है, बिकॉज डीएम नेचुरली प्रोवाइडर होते हैं। तो वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो आपको हर तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करने लगती हैं या कोशिश करने लगते हैं। कुछ डीएम ऐसे भी हैं जो अभी स्टिल अपने कार्मिक साइकिल्स को फेस कर रहे हैं। किसी तरह का डीफेम या किसी तरह का लीगल सिचुएशन हो सकता है। कुछ लोगों के डीएम अभी भी मतलब डार्क नाइट ऑफ द सोल से पूरी तरह से निकल नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर उनकी तरफ से आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मतलब मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, बट कमिटमेंट में इट विल टेक टाइम। ठीक है, विल टेक टू टू कार्ड्स, देखते हैं डीएफ की एनर्जी के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है, क्या एनर्जी है डीएफ के लिए। पहले दो कार्ड है हमारे पास, फोर ऑफ रोजेस एंड द क्वीन ऑफ स्क्रोल्स। डीएम की तरफ दो कार्ड, सेवन ऑफ फोर्सेस एंड फाइव ऑफ कीज। देखिए यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है। डेफिनेटली डीएम की एनर्जी में अगर ये अवेकन नहीं है अभी, ये अगर 3D मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, तो इनकी लाइफ में डेफिनेटली टावर मोमेंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाते, जब तक इनकी एनर्जी बैलेंस नहीं हो जाती, तब तक ये एनर्जी से इनको ऑपरेट करना पड़ेगा। ये इंटरवेंशंस लगे रहेंगे इनकी लाइफ में, इनको बार 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 हार का सामना करना पड़ सकता है। इवन इतना ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल में सिचुएशन ख़राब हो जाती है, कई बार सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि यार हमने अपना वर्स्ट जी लिया। ठीक है, मतलब जिसमें इंसान को जीने की शक्ति भी ख़त्म हो जाती है, वो होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल, वर्स्ट सिचुएशन। तो यहाँ पर अब ये बैलेंस हो चुके हैं। काफ़ी डीएम ऐसे हैं जो अपनी एनर्जी को अब काफ़ी हद तक इन्होंने बैलेंस किया है और इनकी विशेस अब बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तो जो भी आपकी और इनकी विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, ये अपनी विशेस के लिए अब स्टैंड लेने वाले हैं, अपनी लाइफ में एक प्रॉपर चेंज लेकर आने वाले हैं। और ये जो चेंज है काफ़ी फ्रूटफुल चेंज होने वाला है। वहीं बात करें डीएफ एनर्जी की, तो आप अपने एटीट्यूड में हैं, आप क्वीन ऑफ स्क्रोल्स की एनर्जी में हैं। पूरा आपका थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा, आपका सभी चक्रा काफ़ी हद तक आपने वर्क किया है, इनर वर्क किया है, बैलेंस किया है। आपको पता है, आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, आपको पता है कि क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। साथ ही साथ कुछ डिवाइन फेमिनिन्स अभी ईगो से ऑपरेट कर रही हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ये गाइडेंस है कि अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन हैं तो आपके अंदर ईगो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ईगो है यू आर इन अ डिस्टॉर्टेड एनर्जी। तो जब आपको अगर ईगो है कि आई एम डिवाइन फेमिनिन, या मेरे अंदर ये क्वालिटी है, या आई एम चोजन वन, या आई एम इन ट्विन फ्लेम जर्नी, जब तक ये चीज़ें रहेंगी तब तक आपकी खुद की अवेकनिंग स्टक हो जाएगी। ठीक है, आपके लाइफ में ही चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। क्यों नहीं बढ़ेंगी? बिकॉज आपके अंदर ही अभी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं है। सो ये एक गाइडेंस है, इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। तो जिसके लिए होगा उसी तक पहुंचेगा, सबके लिए नहीं है, बट यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। देखते हैं अगर आप डीएम से नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपको कॉल मैसेज कब तक रिसीव हो जाएगा, आपके डीएम की तरफ से कॉल मैसेज कब तक रिसीव हो जाएगा। वन नंबर है यहाँ पर, बहुत सारी डीएफ को 24 आवर्स के अंदर मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं, विद इन अ डे। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, होपफुल रहिए, क्लेम कीजिए फटाफट, बिकॉज यहाँ यूनियन की भी वाइब्रेशन है और मैसेज की भी एनर्जी है। तो 24 आवर्स के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेंगी। और अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हैं तो मैक्सिमम 7 days, विद इन अ वीक। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।